देखो सबका बजट अलग अलग होता है मार्केट में, हर एक बजट पे बहुत सारे लैपटॉप्स के ऑप्शन है, बट उनमें से सबसे बेस्ट हमने निकाले हैं हर एक प्राइस रेंज और हर तरह के यूजर के रिक्वायरमेंट को देख के। अब चाहे आपको बिजनेस एंड स्टडी पर्पज के लिए लैपटॉप चाहिए, फिर गेमिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, एडिटिंग जैसे कामों के लिए लैपटॉप चाहिए, हर तरह के लैपटॉप इस लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट कर रहे 30-40,000 बजट से। अब इस बजट में करंटली 3 लैपटॉप सबसे बड़े स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है। पहला है Lenovo ThinkBook 15G5, AMD Ryzen 3 7330U का प्रोसेसर जिसमें 4 कोर्स है, 8GB DDR4 RAM मिल जाती है जो एक्सपांडेबल है अप टू 16GB तक। एंड इस बजट के ज्यादातर लैपटॉप से ऑनबोर्ड रैम मिल रही है जिसको तुम एक्सपांड नहीं कर सकते, सो ये इस लैपटॉप का एक प्लस पॉइंट है। 512GB की SSD एक्सपांडेबल अप टू 1TB। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले है, AMD Radeon ग्राफिक्स, प्रीलोड विंडोज 11 होम विथ लाइफटाइम वैलिडिटी, प्राइवेसी शटर कैमरा, बिल्ट इन फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाते हैं पावर बटन में। एंड ये लैपटॉप मिलिट्री के ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। लैपटॉप का टॉप प्लेट एल्यूमिनियम का है। परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया है, प्रोफेशनल कामों के लिए करंट प्राइस 32,000 रुपीज है, बट प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 1। अब इसमें आपको Ryzen 5 CPU मिल रहा है 5500U, डे टू डे टास्क एंड मल्टीटास्किंग को बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लेगा। साथ ही इसमें आप लाइट गेमिंग भी कर पाओगे बट लोअर ग्राफिक सेटिंग में। 16GB की DDR4 3200MHz वाली रैम जो एक्सपांडेबल नहीं है, ऑनबोर्ड रैम है एंड 16GB रैम ही सफिशियंट है, इससे ज्यादा रैम की जरूरत भी नहीं है। 512GB की SSD 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटीग्रेटेड TN डिस्प्ले है, बाकी AMD Radeon के ग्राफिक्स, विंडोज 11 प्लस ऑफिस 2021 दोनों लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाते हैं। बैटरी बैकअप आराम से 8 से 9 घंटे का मिल जाएगा एंड लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। करंट प्राइस 37,000 है। ओवरऑल ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए सही से होते हैं जिनको परफॉर्मेंस एंड पोर्टेबिलिटी का बैलेंस चाहिए, वो भी बजट में। अब थर्ड लैपटॉप है SP15 है, सीरीज लैपटॉप के स्पेक्स। इसमें i3 का प्रोसेसर है, वैसे इसी का Ryzen 3 वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज इसमें भी आप डे टू डे टास्क को आराम से कर पाओगे एक्सेप्ट गेमिंग। वैसे इस लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है जो इस बजट के लैपटॉप्स में मिलना मुश्किल है। प्राइस 38,000 है एंड ओवरऑल लैपटॉप के स्पेक्स प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। सो 30-40,000 बजट में करंटली इन लैपटॉप में से आप चूज कर लो। इन तीनों लैपटॉप की बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं 40-50,000 बजट की। सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का ThinkBook Z5। इसका लोअर वेरिएंट अंडर 30,000 में मिल जाएगा जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेकिन इसमें आपको Ryzen 7 7730U का प्रोसेसर मिल जाता है। मल्टीटास्किंग बहुत ही बढ़िया से हैंडल हो जाएगी आपकी। टॉप लेट मेटल की है एंड मिलिट्री के ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। 16GB की DDR4 RAM 3200MHz वाली एंड 512GB की SSD, RAM एंड स्टोरेज दोनों ही एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटीग्लेयर डिस्प्ले, बढ़िया डिस्प्ले है, कलर्स भी काफी शार्प देखने को मिल जाएंगे। अब प्रोसेसर यू सीरीज का है तो बैटरी बैकअप बढ़िया मिलेगा। वैसे लैपटॉप फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 50% चार्ज 30 मिनट्स में ही हो जाते हैं। बढ़िया लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। करंट प्राइस अराउंड 47,000 है, सो अंडर 50,000 प्रोफेशनल यूजर्स के लिए ये लैपटॉप दी बेस्ट ऑप्शन है। अब जिनको इस बजट में प्रोफेशनल कामों के साथ साथ लाइट गेमिंग भी करना है, देन वो लोग Lenovo का IdeaPad Slim 3 ले सकते हो, क्योंकि इसमें i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, वो भी 8 सीरीज का। 16GB रैम 4800MHz वाली, रैम एक्सपांडेबल नहीं है बट स्टोरेज एक्सपांडेबल है। इसमें डेडिकेटेड GPU नहीं मिलेगा, इंटेल का इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक्स है, सो हाई एंड गेम्स इसमें आप नहीं खेल पाओगे, उसके लिए डेडिकेटेड GPU सही होगा। अब रीजन डिटेल में इस वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पहले एक बार देख लेना। डिस्प्ले को चेक करें तो 14 एंड 15.6 इंचेस दोनों स्क्रीन साइजेस में अवेलेबल है। करंट प्राइस 52,000 रुपीज़ है, ऑफर्स वगैरह में अंडर 50,000 इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप है ऑनर का MagicBook X16। इसमें i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर है एंड ये लैपटॉप मेटल बिल के साथ आता है। कंप्लीट बॉडी प्रीमियम एल्यूमिनियम का है एंड इस लैपटॉप का डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है। 16 इंचेस की एक बड़ी फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। बाकी सारे स्पेक्स आपके सामने हैं एंड इस पे आपको एक टाइप सी पोर्ट भी मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे तुम डिवाइस को सर्च प्लस हाई स्पीड में फाइल ट्रांसफर कर पाओगे। इसका करंट प्राइस अराउंड 44,000 है। अब इस बजट में लास्ट सबसे बेस्ट लैपटॉप है Asus VivoBook 15। ये रहे इसके स्पेक्स। इसमें प्रोसेसर 12500 का है जो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा बेटर है बाकियों से। 16GB DDR4 RAM एक्सपेंडेबल अप टू 24GB एंड स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। सो मल्टीटास्किंग, वेब ब्राउजिंग, ऑफिस, स्टडी एंड लाइट गेमिंग के लिए अंडर 50,000 ये भी बढ़िया ऑप्शन है। सो 40-50,000 बजट में ये सारे लैपटॉप सबसे बेस्ट है। इनमें आप प्रोफेशनल कामों के साथ साथ थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर पाओगे या फिर बेसिक वीडियो एडिटिंग बट रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस बेसिक कोडिंग भी चल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 50-60,000 बजट की। सबसे पहला लैपटॉप है Acer Nitro 5। करंट प्राइस 54,000 है एंड इसमें Ryzen 5 7535 ACS वाला प्रोसेसर मिलेगा, RTX 2050 ग्राफिक्स, 8GB की DDR5 RAM जिसको आप टू 32GB तक एक्सपांड भी कर पाओगे। साथ ही स्टोरेज भी एक्सपांडेबल है अप टू 2GB। टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, आने वाले 2-3 सालों तक आराम से चल जाएगा। सो फॉर गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग के लिए अंडर 55,000 ये एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लैपटॉप है Asus TUF F15।
देखो इसमें हमें प्रोसेसर थोड़ा पुराने जनरेशन का मिलेगा, 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, फिर भी इस लैपटॉप का अभी भी बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें RTX 3050 ग्राफिक्स है, फुल एचडी IPS 144Hz डिस्प्ले, 8GB की रैम एक्सपेंडेबल अप टू 32GB एंड स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है एंड इसमें आपको RGB बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। करंट प्राइस 57,000 है बट ड्यूरिंग ऑफर्स 51,000 to 52,000 में मिल जाएगा, लेकिन अगर प्राइस 60,000 से ज्यादा हो जाता है तो ये लैपटॉप मत लेना क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे Acer का ALG लैपटॉप। एक तो लैपटॉप प्रीमियम मेटल बिल्ड के साथ आता है, 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 12 450H, RTX 3050 ग्राफिक्स, रैम एंड स्टोरेज दोनों ही एक्सपेंडेबल है, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला एक बढ़िया डिस्प्ले एंड मल्टी कलर बैकलिट कीबोर्ड है। करंट प्राइस अराउंड 61,000 है, सो फॉर गेमिंग कोडिंग वगैरह के लिए अंडर 60,000 to 65,000 इस लैपटॉप का ले सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप है MSI Cyborg 15, इसमें भी सेम i5-12450H का प्रोसेसर है, 16GB DDR5 RAM एक्सपेंडेबल अप टू 64GB, RTX 3050 ग्राफिक्स एंड सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड है। प्राइस है 63,000 रुपीस, ऑफर्स वगैरह में अंदर 60,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा इस बजट में और एक लैपटॉप है जो इन चारों में से सबसे बेस्ट स्पेक्स ऑफर करता है एंड वो लैपटॉप है Lenovo का ALOQ। अब इस लैपटॉप को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मदरबोर्ड का इशू आ रहा है, बट ऐसा सबके साथ तो नहीं हो रहा है ना, सिर्फ 1-2% लोगों को ही ये इशू आ रहा है एंड इसीलिए मैं इसको लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। एक बार स्पेक्स चेक करें तो इसमें i5-12Gen 12450HX का प्रोसेसर है जो A सीरीज वाले लैपटॉप से फार बेटर परफॉर्मेंस देगा, प्री इंस्टॉल 24GB की DDR5 RAM है प्लस एक्सपेंडेबल भी है, फुल साइज डिस्प्ले विथ 144Hz रिफ्रेश रेट एंड 100% sRGB जो इस बजट में और कोई लैपटॉप नहीं देने वाला, RTX 2050 ग्राफिक्स, मार्क स्विच मिलता है एंड लैपटॉप मिलिट्री के ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, सो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। सो अंदर 50,000 to 60,000 ये लैपटॉप्स गेमिंग एडिटिंग जैसे यूजर्स के लिए डी बेस्ट है, इनमें से एक ले लो। इसके अलावा और कोई लैपटॉप मत देखना, इससे कन्फ्यूजन बढ़ेगी कम नहीं होगी। अब इसी बजट में प्रोफेशनल लैपटॉप्स को देखें तो दो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पहला है Honor MagicBook X16 एंड सेकेंड इज Acer Swift Go। Honor में आपको i5-13420H वाला प्रोसेसर मिलेगा, यू सीरीज के कंपैरिजन में मच बेटर परफॉर्मेंस देगा, मल्टीटास्किंग करना है, बेसिक एडिटिंग वगैरह स्मूथली हैंडल कर लेगा, 16 इंच की एक बड़ी IPS डिस्प्ले 100% sRGB के साथ, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर मिल जाता है एंड मेटल बिल के साथ आता है। प्राइस अराउंड 54,000 है। अगर आपको प्रोफेशनल काम के साथ साथ थोड़े बहुत हैवी यूजेस भी करना है ना, देन डू कंसीडर इस लैपटॉप। Acer को देखें तो सबसे पहले तो ये इंटेल इवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, इवो सर्टिफिकेशन के लिए लैपटॉप को कई टेस्ट में पास होना पड़ता है तभी उसको इवो सर्टिफिकेशन मिल दिया। जैसे लैपटॉप का बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया होना पड़ेगा, लेस देन 10 सेकंड लैपटॉप बूट होना चाहिए, डिस्प्ले, वेबकैम, फिंगरप्रिंट, सॉफ्टवेयर, बिल्ड क्वालिटी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया होना पड़ेगा एंड तब जाके इवो का सर्टिफिकेशन मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो जिस लैपटॉप पर इंटेल इवो का थप्पा है ना, वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, आप बिना कुछ सोचे उस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। ओके, बात करते हैं 60,000 to 70,000 बजट की। सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप को चेक कर लेते हैं, पहला है Asus VivoBook S15 OLED। ये भी इंटेल इवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, सो ऑब्वियसली प्रोफेशनल यूजर्स के लिए तो बढ़िया होगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट i5 का 12500H प्रोसेसर दिया गया, रैम एंड स्टोरेज दोनों एक्सपेंडेबल है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी ओलेड डिस्प्ले, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सब कुछ इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बैटरी बैकअप तो अच्छे 9 घंटे का मिल ही जाएगा इंटेल इवो सर्टिफिकेशन के कारण, सो अंडर 70,000 प्रोफेशनल कामों के लिए ये लैपटॉप एक बढ़िया ऑप्शन है। अब इस बजट में हम एप्पल को कैसे भूल सकते हैं, 70,000 में एप्पल का 2020 मैकबुक एयर मिल जाता है, नॉर्मल प्राइस वैसे 75,000 के अराउंड होता है बट ऑफर्स वगैरह में अंडर 70,000 में मिल जाएगा। ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए सही है जिनको प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, बैटरी बैकअप 8 से 9 घंटे का मिल जाएगा, एल्यूमिनियम बॉडी, एप्पल की M1 चिप, 8GB रैम, 256GB SSD, बोथ आर नॉट एक्सपेंडेबल, 13.3 इंचेस की IPS डिस्प्ले, बहुत ही कॉम्पैक्ट लैपटॉप है, बाकी एप्पल का 8-core GPU दिया गया है, सो एप्पल लवर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट लैपटॉप है SP14। ये लैपटॉप ना अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसके अंदर आपको इंटेल का अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा, अल्ट्रा 5 125H। ये जो इंटेल की अल्ट्रा सीरीज है ना, इनको AI रिलेटेड टास्क के लिए डिजाइन किया गया है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, 16GB की रैम, DDR5 5600MHz वाली एंड 512GB की SSD, 14 इंच की IPS एंटीक्लियर डिस्प्ले, इंटेल की आर्क ग्राफिक्स मिल जाती है, ये भी नया GPU है, आपने USD या फिर आईरिस ग्राफिक्स सुना होगा एंड ये आर्क इन दोनों से बेटर परफॉर्म करेगा, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाती है, करंट प्राइस अराउंड 71,000 है एंड ये भी लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन है। अगला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3। देखो सिर्फ 62,000 के अराउंड इसका प्राइस है एंड अगर आपका बजट भी इसके अराउंड है ना, देन इससे बढ़िया प्रोफेशनल लैपटॉप आपको और कोई नहीं मिलेगा क्योंकि 7,000 के अकॉर्डिंग एक लैपटॉप के अंदर जो मैक्सिमम मिल सकता है ना, वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। i7 का 13 जनरेशन का प्रोसेसर, वो भी A सीरीज वाला, DDR5 RAM 4800MHz वाली एंड 512GB की SSD, इंटेल USD ग्राफिक्स, MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा एंड लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, सिर्फ 15 मिनट चार्ज करके 2 घंटे तक यूज कर पाओगे, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, कमाल का लैपटॉप है, ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, सो डू कंसीडर दिस वन एज वेल। सो ये सारे लैपटॉप बता दिए जो प्रोफेशनल कामों के लिए दी बेस्ट ऑप्शन है, इनमें से किसी भी एक को चूज कर लो और हाँ, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गेमिंग एडिटिंग कोडिंग जैसे कामों के लिए लैपटॉप देखें तो दो सबसे बेस्ट ऑप्शन है,
सबसे पहला लैपटॉप है लेनोवो का एलो क्यू। इसका लोअर वेरियंट 62-65,000 के अंदर आ जाता है, बट इस वाले में आपको i5 का 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी एस एक्स सीरीज का, 16GB DDR5 रैम, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली एंड 512GB की SSD। 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंडिग्लर डिस्प्ले, 100% sRGB एंड 144Hz रिफ्रेश रेट, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, 95W TGP, मार्क स्विच, 4 जोन RGB बैकलेट कीबोर्ड एंड इसका करंट प्राइस अराउंड 72,000 है। अब चाहे आपको गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग कुछ भी करना हो, ये लैपटॉप सब कुछ इजीली हैंडल कर लेगा। इसके बाद अगला लैपटॉप है Acer 925 गेमिंग। अब इसका प्राइस 1-2,000 ज़्यादा भी हो सकता है, अराउंड 74,000 में मिल जाएगा, बट स्पेसिफिकेशंस देख के आप खुश हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको RTX 4050 का ग्राफिक कार्ड मिलेगा, वो भी 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ। ये एक लौता लैपटॉप है जो इस प्राइस पॉइंट पे RTX 4050 प्रोवाइड कर रहा है। 16GB की DDR5 रैम, 512GB की SSD, 15.6 इंचेस की IPS एंडिग्लर 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 99% sRGB के साथ, सारी गेम्स जैसे GTA 5, साइबरपंक, COD हायर सेटिंग में प्लेबल है, प्लस वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह भी आराम से हो जाएगा। एक बढ़िया लैपटॉप है, अपने बजट को थोड़ा पुश कर सकते हो तो डेफिनेटली इसको कंसीडर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो 60-70,000 का बजट है तो इन चार लैपटॉप में से एक ले लो, प्रोफेशनल यूजर्स के लिए एंड गेमिंग के लिए इन दोनों में से एक ले लो, मैं आपको Acer 925 ही रेकमेंड करूंगा। ओके, अब बात करते हैं 70-80,000 बजट की। अब इस बजट में तीन लैपटॉप सबसे बेस्ट ऑप्शन है गेमिंग और जितने भी हैवी टास्क है उनके लिए। पहला है Dell G15 5530, करंट प्राइस 76-77,000 के अराउंड है, 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, वो भी A6 सीरीज का, 16GB की रैम, DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, एक्सपेंडेबल अप टू 32GB प्लस 1TB की SSD मिल जाती है एंड स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। एंड इसके अंदर भी हमें RTX 3050 का GPU दिया गया है, 95W TGP वाला एंड मार्क स्विच भी दिया गया है, टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप है लेनोवो का एलो क्यू, 80-82,000 के अराउंड ये लैपटॉप मिल जाएगा, राइजन 7 प्रोसेसर, 7840HS, 16GB की रैम है, DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, रैम एक्सपेंडेबल है अप टू 32GB तक, 512GB की SSD, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंडिग्लर डिस्प्ले विथ 144Hz रिफ्रेश रेट, RTX 4050 ग्राफिक्स विथ 95W TGP प्लस मार्क स्विच भी इंक्लूडेड है, बाकी सारे स्पेक्स आपके सामने हैं, बढ़िया लैपटॉप है, इसको भी आप देख सकते हो। वैसे इसी का इंटेल वाला वेरिएंट और भी तगड़ा है, i5-13450HX प्रोसेसर एंड जो ग्राफिक कार्ड है ना वो भी 105W TGP वाला है, सो परफॉर्मेंस राइजन से बेटर मिलेगा, बट प्राइस भी आपको 3-4,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और एक लैपटॉप है HP का विक्टस, इसमें भी बढ़िया स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, i5-13420H का प्रोसेसर, RTX 4050 ग्राफिक्स, 75W TGP वाला, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, RAM एंड स्टोरेज दोनों एक्सपेंडेबल है, ये लैपटॉप भी अराउंड 80,000 में मिल जाएगा। अब प्रोफेशनल लैपटॉप को देखें तो तीन बेस्ट ऑप्शन है, पहला है Asus VivoBook 16 ईयर एज के स्पेक्स, सेकंड इज HP Pavilion Plus एंड थर्ड इज Acer Swift Go। ये दोनों लैपटॉप ही EVO सर्टिफाइड है, सो इनको लेने से पहले आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सो 70-80,000 में गेमिंग एडिटिंग जैसे कामों के लिए इन तीन लैपटॉप में से चूज कर लो एंड फॉर प्रोफेशनल वर्क्स इनमें से एक ले लो। ओके, अब बात करते 80-1 लाख या उससे ऊपर के लैपटॉप्स की। ओके, सबसे पहला लैपटॉप है Asus का TUF F15, स्पेक्स चेक करो एक बार, i7 का प्रोसेसर, 13 जनरेशन का, RTX 4050 ग्राफिक्स अप टू 140W TGP वाला, नेक्स्ट लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है, DDR5 RAM है प्लस एक्सपेंडेबल है अप टू 32GB तक एंड स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, 15.6 इंचेस की 144Hz IPS लेवल डिस्प्ले विथ 100% sRGB, गेमिंग के अलावा वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग एंड और जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर रन करने हैं ना सब कुछ आराम से हो जाएगा। प्राइस की बात करें तो अंडर 1 लाख में मिल जाएगा एंड आने वाले सेल में अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है, सो आपका बजट है तो डेफिनेटली इसको कंसीडर करो, बेस्ट ऑफर लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वैसे इसी का राइजन वाला वेरिएंट भी आप ले सकते हो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्राइस इसका अंडर 90,000 में मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप है HP Omen Gaming, प्रोसेसर राइजन 7 7840HS दिया गया है एंड ग्राफिक कार्ड RTX 4060 दिया गया है, 140W TGP वाला, 16GB की DDR5 रैम, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, 1TB की Zen 4 SSD, रैम एक्सपेंडेबल नहीं है बट स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, 16.1 इंचेस की एक बड़ी फुल एचडी IPS एंटीग्लर डिस्प्ले है विथ 165Hz रिफ्रेश रेट एंड 100% sRGB, करंट प्राइस अंडर 1 लाख है, आपका बजट है तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप है Acer 925, अब ये लैपटॉप आपको अराउंड 85-90,000 में मिल जाएगा, ये रहे इसके स्पेसिफिकेशंस, 12 जनरेशन का i7 प्रोसेसर है, RTX 4050 ग्राफिक्स, रैम एंड स्टोरेज दोनों ही एक्सपेंडेबल है, 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड है। इसी का ऑल्टरनेटिव लैपटॉप बताऊँ तो HP का विक्टस आता है, इसमें वैसे प्रोसेसर राइजन का लेटेस्ट सीरीज का मिल जाएगा बट इसमें रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, सो गेमिंग एंड अदर हैवी यूजेस के लिए इनमें से एक ले सकते हो। एंड प्रोफेशनल लैपटॉप्स को देखे तो तीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पहला है Asus VivoBook S16 OLED लैपटॉप, एक तो ये इंटेल इवो सर्टिफाइड लैपटॉप है एंड इसके डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया है, 16 इंचेस की 3.2K रेजोल्यूशन वाला OLED पैनल है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 100% sRGB, अल्ट्रा 5 प्रोसेसर, 125H, 16GB की DDR5 रैम, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली, नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है, 1TB की SSD दिया गया है, इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाती है, अब साइड में प्रोफेशनल काम करने हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सब कुछ इस लैपटॉप के अंदर हो जाएगा, MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा, RGB बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाएगा। सेकंड लैपटॉप है Dell Inspiron 7440,
ये भी ईवो सर्टिफाइड है एंड ये लैपटॉप आपको अराउंड 97,000 में मिल जाएगा। मेटल की बॉडी के सारे स्क्रीन रिजर्व प्रोसेसर दिया गया है वो पिछले वाले से भी ज़्यादा तगड़ा दिया गया है। अल्ट्रा 7 प्रोसेसर 155H 16GB की रैम DDR5 6400MHz वाली 1TB की Zen 4 SSD है। 14 इंचेस की 2.2K रेजोल्यूशन वाला एंटी ग्लेयर डिस्प्ले 120Hz का रिफ्रेश रेट। इसमें भी इंटेल की आर्क ग्राफिक्स मिल जाएगा। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर बैकलिट कीबोर्ड ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड थर्ड लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED। अब इस लैपटॉप का प्राइस आपको अराउंड 1,05,000 पड़ेगा एंड इसके अंदर इंटेल अल्ट्रा 9 प्रोसेसर मिल जाएगा 185H जो करेंटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। एंड लैपटॉप में 32GB की रैम दे रखी है DDR5 7467MHz वाली एंड 1TB की SSD है। 14 इंचेस की 2.8K OLED एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 100% sRGB। इसमें भी इंटेल की आर्क ग्राफिक्स मिल जाती है। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। ये लैपटॉप ना इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। सो प्रोफेशनल यूजर्स के लिए इन तीनों में से किसी भी एक को चूज कर लो, तीनों ही दी बेस्ट ऑप्शन है। सभी लैपटॉप के बेस्ट बाइलिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।